नमस्कार NBC 24 की इवनिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं दिनभर की बड़ी खबरें। बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी, इस साल लड़कों ने किया टॉप, लड़कियां रह गए पीछे। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में मंच से पीएम मोदी को घेरा, बोली प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार से मिलते हैं पीएम लेकिन किसानों से नहीं। बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोली कांग्रेस ने राजद से गठबंधन कर अक्षम अपराध किया है। बिहार में कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान, कटिहार से तारिक अनवर तो भागलपुर से अजीत शर्मा उतरेंगे मैदान में। बिहार में पीएम मोदी की रैली तय, 4 अप्रैल को जमुई से भरेंगे हुंकार, चिराग के जीजा अरुण भारती हैं उम्मीदवार। अब आइए खबरें जानते हैं विस्तार से। बिहार 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है, परिणाम की घोषणा बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने की है। टॉप 10 के लिस्ट में लड़कों ने दबदबा कायम रखा है। टॉप 10 लिस्ट में इस बार 51 छात्र छात्राएं हैं, पहली और दूसरी रैंक पर लड़के ही हैं। इस बार 10वीं में कुल 82% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस बार 16,64,250 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें 8,98,785 छात्राएं थी। इस परीक्षा में 4,50,000 से ज्यादा यानी 302 स्टूडेंट प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक 2,50,000 से ज्यादा लड़के पास हुए हैं। वहीं 1,99,456 छात्राएं पास हुई है। वहीं द्वितीय श्रेणी में 3,80,732 छात्राएं पास हुए हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या 2,14,339 है। वहीं तृतीय श्रेणी में कुल 3,80,732 स्टूडेंट पास हुए हैं, जिनमें 1,67,093 लड़के तो वहीं 2,14,639 छात्राएं शामिल है। वहीं बता दें कि इस परीक्षा में कुल 13,69,882 छात्र पास हुए हैं, कुल पास हुए स्टूडेंट्स का प्रतिशत 82 है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में डुगडुगी बच चुकी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां ने चुनावी मैदान में अपनी राजनीतिक योद्धाओं को उतारने के साथ रैलियां करने में जुट गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की गई, जिसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री प्रियंका चोपड़ा अक्षय कुमार जैसे एक्टर संभलते हैं, लेकिन देश के किसानों से मिलने का उनको समय नहीं है। तेजस्वी ने आगे कहा है कि आज जहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग बीजेपी नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही सेटिंग हो चुकी है। तेजस्वी ने कहा है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहली रैली हम लोगों ने पटना में की थी, दूसरी मुंबई में और तीसरी आज जो दिल्ली में है। मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं, वहां जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, मैं राजद से महागठबंधन का विरोध हूं, कांग्रेस से राजद से गठबंधन आत्मघाती है, कांग्रेस ने राजद से गठबंधन कर अक्षम अपराध किया है। उन्होंने कहा कि 1985 में मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी और 39 साल तक पार्टी की सेवा की, लेकिन आज जो भी कुछ हो रहा है उसे देखकर मन दुखी है और इस कारण मैंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस ने दूसरे चरण की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें कटिहार से तारिक अनवर, भागलपुर से अजित शर्मा और कसनगंज से मोहम्मद जावेद होंगे। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव है, उनमें कोई भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस ने दूसरे चरण के लिए 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे में कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपने लोकसभा चुनाव प्रचार का अभियान 4 अप्रैल से करेंगे। पीएम मोदी के आगमन की सूचना देते हुए चिराग पासवान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रविवार को एक पोस्ट शेयर किया, जिस चिराग लिखा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सर्वप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार के अभियान शुरुआत जमुई से करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं जमुई की समस्त दिव्यतुल्य जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के इस निश्चय से हम सभी अभिभूत हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन न सिर्फ बिहार के सभी 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी के झोली में डालेगी, बल्कि देश में 400 पार का लक्ष्य भी हासिल करेगी।